नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईपीएल पर चर्चा में और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस वक्त अपने घर में सेफ होंगे। दोस्तों, जिस हिसाब से देश में हालात चल रहे हैं, ऐसे में सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि क्या आईपीएल पोस्टपोन होगा या चलता रहेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से लग रहा है कि आईपीएल पोस्टपोन होगा और जानेंगे इस वीडियो का एंड तक कि आईपीएल पोस्टपोन होगा या नहीं। दोस्तों, हम देख ही रहे हैं कि आईपीएल के इस सीजन में कई प्लेयर्स ने आने से ही मना कर दिया था और कई प्लेयर्स बीच में आईपीएल को छोड़कर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सबके सब अपनी सेफ्टी देख रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, सारे प्लेयर्स बायो बबल में रहते हैं, जिसका मतलब वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और ना जाने कितनी बार अपना टेस्ट भी करवा चुके हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले भी कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन फिर वो सही हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड में मैच नहीं खेलेगी और मैचेस कुछ चुनिंदा स्पॉट्स पे ही होंगे। अभी तक के मैचेस चेन्नई और मुंबई में हुए और दोस्तों, ये कारवां शिफ्ट होके आ चुका है दिल्ली और अहमदाबाद में। इसी बीच गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल पटेल ने कहा कि वो गवर्नमेंट और बीसीसीआई के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ग्राउंड के अंदर जीसीए के ऑफिस बेयरर्स और पुराने तीन खिलाड़ी जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज के इंचार्ज हैं, वो ही अलाउड होंगे और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। दोस्तों, एक फ्रेंचाइजी ऑफिशियल की माने तो उन्होंने कहा है कि ऊपर से कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई अभी कि आईपीएल पोस्टपोन होगा और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को मोटिवेटेड और सेफ रखने की। प्लेयर्स का आईपीएल को बीच में छोड़कर जाना फ्रेंचाइजीज के लिए एक दिक्कत का विषय तो बना है, लेकिन फ्रेंचाइजीज ने अपने इन प्लेयर्स के डिसीजन को बैक किया है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल को अभी तक बीच में अलविदा कह चुके हैं और उन्होंने क्या रीजन दिए हैं आईपीएल को बीच में छोड़कर जाने के। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल से रविचंद्रन अश्विन, राजस्थान रॉयल्स से लियाम लिविंगस्टोन और एंड्री टाय और केन रिचर्डसन और एडम जेप्पा आरसीबी से अभी तक आईपीएल को बीच में अलविदा कह चुके हैं। एंड्री टाय ने कहा दोस्तों कि अगर वो एक प्लेयर के सेफ्टी पॉइंट से देखें तो वो सेफ है, लेकिन कब तक? अगर वो एक इंडियन होने के नाते देखें तो ये फ्रेंचाइजीज इतना अमाउंट कैसे खर्च कर रही हैं आईपीएल में और गवर्नमेंट भी, जबकि देश की हालत ऐसी है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है। दोस्तों, एडम जेम्पा ने कहा कि हम अभी तक कई बायो बबल्स में रह चुके हैं और मुझे लगता है कि ये शायद सबसे कमज़ोर है। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि यह भारत है, हमें हमेशा यहाँ पर स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है और अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। दुबई में जो बायो बबल था वो इससे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और सेफ था। दोस्तों, वहीं आर अश्विन ने जाने से पहले ट्वीट करके कहा था कि मैं कल से इस साल के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इस कठिन समय में उनके साथ होना चाहता हूं। अगर चीज़ें सही दिशा में जाती हैं तो मैं खेलने के लिए लौटने की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों, इसी बीच ऐसे दो खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने भारत की मदद करने का फैसला किया। हम सभी ने देखा कि पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 डोनेट किए और साथ ही साथ उनके ब्रैट ली ने एक बिटकॉइन जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से ऊपर है वो डोनेट किया है। दोस्तों, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, मुझे तो लगता है कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी और होंगे जो आईपीएल को बीच में अलविदा कहने का फैसला लेंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने दोस्तों, तो अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि आईपीएल को पोस्टपोन होना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आईपीएल को पोस्टपोन होना चाहिए या चलते रहना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।